गुलबर्गा वार्ड नंबर 21 कॉरपोरेटर अजमल गोला को कांग्रेस पार्टी की जानिब से महानगर पाली के रूलिंग पार्टी लीडर बनाया गया है। अजमल गोला ने कल यानी 23 अगस्त को नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा, साउथ एमएलए आलमपुर पाटिल, मेयर यलप्पा नाइकोड़ी और दीगर अहम लीडर्स की निगरानी में रूलिंग पार्टी लीडर के ओहदे पर चार्ज लिया है। इस मौके पर एमएलए कनीस फातिमा, आलमपुर पाटिल और यलप्पा नाइकोड़ी के अलावा फराजुल इस्लाम, कुड़ा चेयरमैन मजार आलम खान, माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नईम खान, वाहिद अली फातेह खान, जैदुल इस्लाम और दीगर कांग्रेस कॉर्पोरेटर्स, लीडर्स और कार्यकर्ता यहां मौजूद थे। तमाम लोगों ने अजमल गोला को तहनियत पेश करते हुए रूलिंग पार्टी लीडर बनने पर इन्हें मुबारकबाद पेश की है और अजमल गोला ने इनकी काबिलियत को समझते हुए इन्हें रूलिंग पार्टी लीडर बनाने पर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे, नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा, साउथ एमएलए आलमपुर पाटिल, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट और एमएलसी जगदेव गुत्तेदार के अलावा तमाम अहम लीडर्स का शुक्रिया अदा किया है। और साथ ही मीडिया से बात करते हुए शहर के डेवलपमेंट और आवारा कुत्तों के इशू पर किए गए सवाल का जवाब देते हुए अजमल गोला ने कहा, अब तक सिटी कॉरपोरेशन पर पूरी तरह से कांग्रेस की पकड़ नहीं थी। फिलहाल मेयर, डिप्टी मेयर और दीगर सभी चेयरमैन कांग्रेस पार्टी के हैं और बहुत जल्द आवारा कुत्तों के अलावा दीगर इश्यूज पर काम किया जाएगा। मजीद इस मौके पर अजमल गोला ने क्या कहा, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जी अजमल साहब, आज आपको लीडर ऑफ द हाउस के ओहदे से नवाजे गए हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे शहर को? मैं पहली बार अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पे और इस मुकाम पे चुना ताकि मैं शहर वासियों को और हमारे लोगों को कुछ कर सकूँ। साथ ही साथ मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर जनाब प्रियांक खरगे साहब, नॉर्थ एमएलए मैडम कनीस फातिमा जी, साउथ एमएलए आलम प्रभु पाटिल साहब, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट एमएलसी जनाब जगदेव गुत्तेदार साहब और मेरे साथी दोस्त जिन्होंने मुझ पे वापस से भरोसा जताया। आप लोग तमाम लोग जानते हैं कि मुझे लास्ट ईयर एज एन अपोजिशन लीडर भी मुझे चुना गया था, वापस से मुझे रूलिंग पार्टी लीडर चुनाए जाने का मकसद यही है कि मैं मेरे काम को अच्छा अंजाम दूँ और जो मेरी पार्टी और जो मेरे लीडर्स मेरे से उम्मीद कर रहे हैं मैं उस पर खड़ा होता हूँ। और मेरे साथ जो ऐसे वक्त पे मुझे मजबूत करे हैं मेरे वालदा, मेरे मामों, मेरे भाई बहन दोस्त तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने, आपकी वजह से यही मुकाम मुझे मिला है और ये मुकाम पर आप लोग की वजह से मैं पहुँचा हूँ। मैं अल्लाह से दुआगुआ हूँ कि अल्लाह ताला आपका सपोर्ट मेरे साथ हमेशा कायम रहे और आप लोगों के साथ मैं जुड़ के काम करूँ और इंशाल्लाह सोसाइटी के लिए, गुलबर्गा सिटी के लिए जितना बेहतर हो सका है उतना बेहतर करने की कोशिश करूँगा। मैं साथ साथ हमारे एडवोकेट वहाज बाबा जनाब वाहिद अली फातेह खानी साहब, कलबुर्गी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन जनाब मज़र आलम खान साहब, जैदुल इस्लाम साहब और यंग डायनामिक लीडर जनाब फराजुल इस्लाम साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस पोजीशन पर मुझे बिठाया और एक उम्मीद लेके बिठाया। और मैं उनको वादा करता हूँ आपके माध्यम को, चैनल के थ्रू, आप जो उम्मीद कर रहे हैं मैं जो काम करूँगा उस पर भरपूर उतरूंगा और वो भरपूर उतर गया उसका रिजल्ट होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल अजमल साहब, जिस तरह से आप आज रूलिंग पार्टी लीडर बने हैं, मेयर आपका है यहाँ पर कॉरपोरेशन में, कॉरपोरेशन के जरिए कई ऐसे काम है जिस पर शहर की आवाम जो है ना उम्मीद लगाए बैठे, जैसे आवारा कुत्तों का जो मसला है, हर गली मोहल्लों में आवारा कुत्तों से लोग परेशान हैं, पानी का मसला है, सड़क का मसला है, ये तमाम मसलों पे किस तरह से आप प्लान बनाएंगे, क्या काम किया जाएगा? हमारी प्रायोरिटी, जबकि हमारी पूरी गवर्निंग बॉडी बन चुकी है, हेड ऑफ द बॉडी मेयर हमारा बन चुका है और साथ में चेयरमैन भी पूरे हमारे बन चुके हैं, तो हमारी प्रायोरिटी यही है कि जो आवारे कुत्तों का बहुत ही बड़ा मसला है, बहुत ही क्रिटिकल है क्योंकि ये आम सिटीजन को तकलीफ दे रहा है और छोटे छोटे बच्चों को तकलीफ दे रहा है। बड़ा पेचीदा मामला ये है, जो बीजेपी सरकारी हुकूमत थी, जब एमपी मेनका गांधी थी, जो हस्बेंड्री एनिमल मिनिस्टर थी सेंट्रल से, उन्होंने एक कानून पास किया जिसकी वजह से हम लोग के हाथ बंधे हुए हैं। नहीं तो आप जानते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने ABC का भी ट्रीटमेंट शुरू किया था, एनिमल बर्थ कंट्रोल का भी ट्रीटमेंट शुरू किया था। अब हमको मसला ये आ रहा है कि एक बार एनिमल बर्थ कंट्रोल करने के बाद वो जानवर को छोड़े काम पे, क्योंकि हम कानून को मानना है, संविधान को मानना है, कानून के तहत में रह के हमको काम करना है, तो वो टेक्निकल चीज़ कमिश्नर, मेयर, चेयरमैन और रूलिंग पार्टी लीडर मिलके पूरे MLAs के साथ एक डिस्कशन करके मेरे पास कुछ प्लान्स है कि हम, जैसे कि आप जानते हैं कि दूसरे जानवर को जैसा माना जाता है, बोला जाता है कि हमारी माँ है, जैसे कि गाय है, गाय के गौशाले हैं,
तो हम भी सोच रहे हैं कि इस टाइप का कुछ एक एनजीओ पकड़ के कुत्ताशाला बनाए, या कुत्तों को जहाँ पे हम प्रिवेंटिव मेजर्स देते हुए उनको पाल के एज नॉर्मल डेथ वो मरते हैं तो उनको वो हिसाब से उनको वो ट्रीटमेंट दिया जाए। तो इट नीड्स अ पॉलिसी, एक पॉलिसी बनना चाहिए उस पर। तो वी आर वर्किंग ऑन इट और होपफुली हम वो बिल्कुल जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट में लाएंगे। और मैं तमाम शहरियों से आपके माध्यम से माफी चाहता हूँ जो आप ये तकलीफ से गुजर रहे हैं, बट बी रेस्ट अश्योर्ड आप हम पे भरोसा रखिए, हम इसका जल्द से जल्द सोल्यूशन निकालेंगे। आज जिस तरह से आप यहाँ पर अहदे पे बैठे हैं तो इस पर तमाम पार्टी लीडर्स का और आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पार्टी लीडर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मुकाम पे पहुँचाया पार्टी का, पार्टी के लीडर्स का, हमारे AICC प्रेसिडेंट जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, MP राधाकृष्ण साहब का। ये लोग ने एज अ यंगस्टर मुझ में कुछ देखा है, वो उम्मीद से मुझे पोजीशन पे बिठाएं और होपफुली इंशाल्लाह मैं वो उम्मीद नाकामयाब नहीं होने दूंगा, वो उम्मीद पे खड़ा उतरूंगा। और डेवलपमेंट माइंड तो हूँ ही अल्हम्दुलिल्लाह, डेवलपमेंट के कुछ नए नज़रियात हैं मेरे पास, इंशाल्लाह अमल में लाऊंगा, लोगों के सामने लाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।